कस्टमर लेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कस्टमर बने दीजिएगा तो घर में दीजिएगा। क्या करेंगे यार अब हम, कहाँ बस कर बताइए। ये सब नहीं करना है समझे। नहीं करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा, बताइए करना पड़ेगा। लोग जो हम लोग कॉम्पिटिशन में सब लोग काम कर रहा है ना, सबको देता है वहाँ। हे गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। गाइज़ अभी बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं अंधेरे का टाइम है और मेरी बेटी शाम में पार्क में खेलने जाती है, तो वो गई है उसको नीचे लेने के लिए। तो वो जब आती है तो मैं एक सोच रहा हूँ कि डबल मीनिंग प्रैंक बनाऊँगा मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, और वो क्या अलग है आप लोगों ने हाईलाइट में देख ही लिया है। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिए। गाइज़ ये डबल मीनिंग प्रैंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अगर सच में आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो जब आ जाएगी उसके बाद मैं कैमरा सेट करता हूँ और अपने प्रैंक को यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। गाइज़ मिलते हैं प्रैंक में 20 मिनट्स लेटर। हाँ यार क्या करें, बहुत तकलीफ़ है यार। हम तो हमको ऐसा कभी लगता है ना कि गलती कर दी, लगता है नहीं। अरे कोई भी काम कर लो लेकिन ये सब काम करने में ना बड़ा दिक्कत है यार। हाँ नहीं एक्चुअली क्या था ना कि जब हम नोएडा में थे ना उस समय दोस्त लोग यहाँ पे जो था वो लोग बोलता था कि बहुत अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन पता नहीं साला हम जब से आए हैं पता नहीं हम पनौती हैं कि मेरे लिए जगह पनौती है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे होगा। जब से गाड़ी लिए हैं तब से बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर इतना कम कैसे हो गया यार। फ़ोन पे तो तुम बोलता था कि बहुत कस्टमर है, अब जब से यहाँ पे आए हैं हम गाड़ी निकाले हैं, हम अपना कंपनी खोले यहाँ पे टैक्सी सर्विस का, कस्टमर ही नहीं आ रहा है। बाकी लोग कैसे चल रहा है। अच्छा देता है वो लोग। यही नहीं अभी और सुनिए, तुम देखा है। अच्छा तो उसमें खर्चा नहीं होगा यार। तो फिर एक काम करते सुनो, कोई अच्छा आदमी कोई देखो जो कि मतलब हाँ जो व्यवस्था कर सके। और क्या हम भी अब लगता है हमको भी देना ही पड़ेगा। चल झूठा। हाँ तो दे देंगे यार, क्या करेगा। मान लियो देखो सबसे पहला बात है कि अगर कस्टमर बढ़ेगा बाद में हम वो सर्विस बंद कर दे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए हमको लगता है कि अब देना चालू करना पड़ेगा। अब जब तक देंगे नहीं तब तक कस्टमर नहीं आएगा। और देखो नहीं बाकी लोग देखो कितना अच्छा सब कोई कंपनी जो चला रहा है, वो लोग देता होगा तभी नहीं उतना कस्टमर बढ़ रहा है यार। हैं कभी खाली नहीं रहता उन लोगों का गाड़ी। क्या वो क्या परेशानी ज़्यादा है क्या जी आपको। जाइए ना देखिए ना कुछ, अरे बात करो कुछ अपना बिजनेस रिलेटेड बात। जय बात बात करेंगे। नहीं यार क्या बोले। हाँ परेशानी तो खैर है ही यार, जब पैसा नहीं आएगा घर में ना तो वाइफ भी परेशान होती है। तो कैसे देना पड़ेगा यार इसमें मतलब क्या। हाँ नहीं वो सुनील बता रहा था कि वो भी देता है, तभी तो उसका कस्टमर ज़्यादा है। उसका मतलब एक दो बार उसके पार्टी को क्लाइंट को लेकर के हम भी गए हुए हैं, लेकिन यार हम कितना भी कुछ भी कोशिश कर ले वो दोबारा फ़ोन करता ही नहीं है, जबकि इतना अच्छा सर्विस देने के बाद भी। हाँ तो देता होगा वो, तभी तो उसको तभी तो बार बार उसके पास जाता है। वो तो मजबूरी में कभी कभार उसका गाड़ी खाली नहीं रहता तब मेरे पास फ़ोन आ जाता है, नहीं तो हाँ कस्टमर बनाने के लिए अब देना ही पड़ेगा हमको। नहीं देखो इससे क्या होगा ना, देखो देने से क्या फ़ायदा होगा। कस्टमर को अगर शॉर्ट डिस्टेंस में भी अगर जाना होगा ना तो उसको कन्विंस करके हम लॉन्ग डिस्टेंस में भी लेके जा सकते हैं कि आइए बैठिए सर आपको लंबे दूर तक लेके जाएंगे, आप बोर नहीं होइएगा, आपको सर्विस मिलता रहेगा। हाँ तो रास्ते में क्या करेंगे यार। हैं क्या पागल है जी, जाइए ना बात हम बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। हाँ तो ठीक है उसका बात करना है, सुनिए तो। हैं हमको बात करना है क्या बात कीजिए को अनिल है। अरे तो हाँ तो बात करने दीजिए ना, बाद में ना बात कीजिएगा हमसे। अभी रुकिए एक मिनट, बात कर मतलब बीच में रुकना जरूरी है क्या। बात कर रहे हो तो नहीं यार अब क्या करें, टेंशन वाला बात है ही, तो वाइफ भी परेशान होगी नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, कल ही चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब गाड़ी में तौलिया वोलिया भी ढंग का लगाना पड़ेगा ना, तभी ना कस्टमर बढ़ेगा, समझ रहे हो। हाँ, अब वो तो सर्विस तो देना ही पड़ेगा यार, उसके देने जब तक कस्टमर लेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, और देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देगा तो फिर घर में बैठे रहो, फिर नहीं या तो कस्टमर को दो, नहीं तो घर पे दो। घर पे देने से अच्छा है कि कस्टमर को दो, ज़्यादा बढ़िया है। क्या बोल रहे हैं आप? हैं? घर में दो या कस्टमर को दो? एक मिनट रुको, हम बात करते हैं बाद में, रुको। क्या हो गया? मतलब कस्टमर को नहीं दीजिएगा तब घर में दीजिएगा? क्या करेंगे यार, अब हम कहाँ बर्दाश्त करें बताइए। चलो, सबका गाड़ी चल रहा है, मेरे पास कस्टमर ही नहीं आता है। अरे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि अब आप इस तरीके से बात कीजिएगा, ये सब नहीं करना है, समझे। नहीं करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा, बताइए। करना पड़ेगा, लोग जो हम लोगों के कॉम्पिटिशन में सब लोग काम कर रहे हैं ना, सबको ही देता है, वहाँ नहीं देगा तो कैसे चलेगा। हद है, तो सबको थोड़ी सबका शौक होता है। अरे तो शौक बढ़ रहा है तभी तो कस्टमर बढ़ रहा है उसके पास, समझिए बात को। कस्टमर को चाहिए, कोई भी आदमी को नहीं चाहिए इस तरीके से, समझे। अरे आप नहीं समझते, हर किसी को ना मतलब ये सब शौक नहीं होता है, चाहिए और चाहिए। आप नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा यार, आप बेकार ये सब चीज़ें मत पढ़िए। आप एक तो दिमाग एकदम टेंशन में है, क्या करें। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ मत कीजिए, इतना मत अपने आप को मतलब आप परेशान कीजिए, समझे। सुन रहे हैं? नहीं, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन जानते हैं मेरा दोस्त लोग जितना भी गाड़ी लोग चला रहा है ना, जितना भी कंपनी लोग चला रहा है, सबको ही दे रहा है आजकल। कौन क्या कर रहा है ना, उससे हमको मतलब नहीं है, और आपको इतना ज़्यादा अपने आप को त्याग नहीं करना है, ठीक है। आपको नहीं कुछ करना है, इसमें त्याग देने वाला कौन सा बात हो गया यार, गजब वाला यार। आपको नहीं देना है, कुछ भी देना पड़ेगा, नहीं देने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा होता है यार, मतलब क्या इतना सारा दुनिया में लोग, हर कोई वही सब करने के लिए क्या आता है गाड़ी में, भाड़ा उसी के थ्रू मिलता है क्या। आज के डेट में हर आदमी को इंटरटेनमेंट चाहिए, और अगर मान लीजिए गाड़ी में अगर बैठ करके वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है, मान लीजिए सुनिए, अगर मान लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस का भाड़ा अगर हम उठाते हैं, उसको लॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ हम सर्विस, हाँ, तो कुछ आप अपना ही आप करते रहिए, तो एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देंगे तो कहाँ से कस्टमर को इंटरटेन करेंगे। कस्टमर इंटरटेन होगा। आपको लगता है कि जितना भी कस्टमर होता है सबको ये सब चीज चाहिए? हमको तो लगता है कि 99% कस्टमर को आजकल यही चाहिए। अरे लड़का तो लड़का, आजकल लेडीज पैसेंजर को भी बोलता है आपके गाड़ी में तो है ही नहीं, आपको सर्विस देना पड़ेगा। अब क्या करें हम, कहाँ से क्या जुगाड़ करें हम। अब मतलब आप किसी, अब हे भगवान, ये इतना कब से एडवांस हो गया यार दुनिया। अरे बोकारो बहुत एडवांस हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अब कल से लगता है कि अब तैयार हो। दिमाग मत खराब कीजिए, सब नहीं करना है आपको, समझे। सब परेशानी नहीं होगा आपको। क्या परेशानी होगा यार इसमें, गजब हाल है। कितना दर्द होगा। दर्द होगा तो दर्द क्यों होगा यार, आपको कोई इस तरीके से करेगा तो आपको दर्द नहीं होगा। ए कहाँ, किस लाइन में जा रही है, क्या दर्द नहीं होगा। तो आप ही ना बोल रहे हैं कि देना पड़ता है। अब पागल हो गए क्या, देना पड़ता, क्या देना पड़ता है। अरे वाईफाई का सर्विस का बात कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस का बात कर रहे हैं कि लोग इंटरटेन हो। दर्द होगा इसमें। अरे यार पागल हो गए, बक जाओ यहाँ से। आप इंटरनेट का बात कर रहे हैं तो और किसका हम बात करेंगे। दर्द होगा, वाईफाई का सर्विस देने में दर्द होता है। तो सबके फोन पे होता है वाईफाई। अरे यार डेटा तो सबके मोबाइल में होता है। कहाँ दिमाग चलता है, कहाँ कुछ है खोपड़ी में कि है, यहाँ की ठेवना में लगा ली है। जाइए उधर जाइए, हमको बात करने दीजिए यार। आपको समझ में आता है, अगर गाड़ी में लोग कस्टमर बैठता है, अगर लंबी दूरी पर जाएगा, एक तो बैटरी डिस्चार्ज होता है, दूसरा सबका नेट पैक भी तो लिमिटेड ही तो होता है। अनलिमिटेड इंटरनेट थोड़ी मिलता है, किसी को 1.5 GB, किसी को 2 GB मैक्सिमम, किसी को 3 GB, इससे ज़्यादा क्या मिलता है। 3-4 घंटा कोई गाड़ी में बैठेगा, मूवी देखेगा तो 3 GB तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो उसको सर्विस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो वाईफाई का जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना यार। हद है, आप ना आप और आपका काम जाने, हम परेशान हो रहे हैं, ये पता नहीं मेरे पति को क्या क्या अपने आप को त्यागना पड़ेगा। हमको पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए वीडियो बना रहे थे। हमको मालूम है कि आपका दिमाग कहाँ चलता है, तीसरे आसमान पे। किशमिश खा रहे, किशमिश से दिमाग थोड़ी बढ़ेगा। हट, हमको नहीं खाना है। प्रसाद है, प्रसाद तो खा लेंगे, लेकिन आप दीजिएगा। अरे चाय का बात कर रहे हैं, चाय भी दीजिएगा। बोली चाय, हाँ चाय नाम लेकर दीजिए, चाय दीजिएगा, दीजिए चाय। मार देंगे, मजाक उड़ाइएगा मेरा।